इमरान खान कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा पहुंच गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इस वक्त वजीर आजम और आर्मी चीफ क्वेटा में मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा पहुंचे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर वहाँ पर ब्रीफिंग देंगे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस वक्त क्वेटा में मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान भी इस वक्त क्वेटा में मौजूद हैं और बलोचिस्तान के वजीर आला ने उनका इस्तकबाल किया है। और इस वक्त ये मनासिर आप देख सकते हैं, जब वजीर आला बलोचिस्तान ने इमरान खान का इस्तकबाल किया और अब से कुछ देर बाद मुलाकात होगी वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की, और आज उनको वजीर आजम को वो सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तो ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं क्वेटा के, जहाँ पर पहुँचे हैं वजीर आजम इमरान खान और आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ये तमाम इस वक्त सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त आईएसपीआर के मुताबिक इमरान खान पहुँच चुके हैं और साथ साथ जनरल बाजवा जो हैं इस वक्त मौजूद हैं क्वेटा में। रिजवान सईद से बात करते हैं। रिजवान सईद, बताइएगा सिक्योरिटी सूरत हाल ब्रीफिंग दी जाएगी आर्मी चीफ की जानिब से वजीर आजम? हाँ जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम इमरान खान इस वक्त क्वेटा में मौजूद है और कोर हेडक्वार्टर में इस वक्त बलुस्तान में अमन अमान के हवाले से जो इजलास है वो जारी है, जहाँ पर उन्हें सूबे में जो अमन अमान की सूरत है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, वजीर आजम आज सुबह क्वेटा पहुंचे जब उनके हमरा जो है वो फवाद चौधरी और दीगर वजरा भी थे, जबकि डिप्टी स्पीकर भी इस वक्त क्वेटा में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वजीर आजम इमरान खान जो है वो वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस भी जाएंगे और गवर्नर हाउस भी जाएंगे। शुक्रिया रिजवान आगाह करने के लिए।